ये वाली दीदी भी देखो नाराज हो गई है हम लोग से। गाइस हम डल लेक पहुंच गए हैं, यहाँ पे बोट लेंगे, बोट से अपने रूम की तरफ चलेंगे। कश्मीर की सब सेकंड लार्जेस्ट लेक में आता है। ये आ गई बस, आ गई बस, आ गई द टेस्ट द कश्मीर। कैसी कितना प्यारा बोट हाउस है, पूरा झूमर से सजा रखा, अमेजिंग मैन। सेकंड फ्लोर भी है इवन। कौन कौन? दिस इज आवर रूम। स्टॉप स्टॉप मैन, स्टॉप स्टॉप करते तो मीना बाजार जा सकते हो शिकारा से। खाने का इससे समझ में आ गया, इसके पास पानी लेके गया तो तुरंत उठ के बैठ। भाइयों यहाँ पे देख सकते हो प्रसाद के लिए कितनी ज्यादा लाइन लगी हुई है, ये देख सकते हो। हमारे दीवा भाई सेवा में लगे हुए हैं शंकराचार्य जी के मंदिर में कश्मीर में। ब्यूटीफुल पीस कीपर्स। दीवाए लगे हुए हैं सेवा में प्रॉपर तरीके से, बर्तन मंजवा रहे हैं, अपने साथ के कुछ लोग पूड़ी में भी लगे हुए हैं। जरूरी है यार सेवा भाव से करना ये सब। ये अपने साथ के लोग पूरे उसमें लगे हुए हैं भंडारे पे। भैया भैया ये देखो, ये दीदी के चेहरे पे खुशी, फर्स्ट टाइम श्रीनगर पे मतलब। भैया भाई भंडारे का प्रसाद है, एक ही बार खाओ। ये देखो भाई हमारे ग्रुप का सिर्फ एक मेंबर ने सेवा किया है सेवा भाव से, सेवा किया है। और ये भैया दूसरी बार प्रसाद, यार बड़े भाई सबको मौका दो। मंगवा में ऐसा होता है? मंगवा में माँ तो ये उसके सामने ही बैठ जाते होंगे भगवने के सामने। हम ना होता है सीसा, जितना खाओ उतना खाओ। अभिषेक भाई आ चुके हैं, ये पहले सेवा भाव में लगे हुए थे वहाँ? नहीं, पहले ध्यान में लगे हुए। ध्यान में थे? कहाँ पे बैठे थे? ये गुफा में जहाँ शंकराचार्य जी वो करते थे भक्त। ये हमारे छोटे शंकराचार्य, आज लग भी ये वैसे ही रहे। ये देखो ना इनके भाई, ये देखो प्रसाद भर भर के खा रही है, भर भर के अचार और पूड़ी खा रही है। हाँ जल्दी हाँ, ये भक्कम खाती है। ये वाली दीदी भी देखो नाराज हो गई है हम लोग से। अब ये आई कांटेक्ट नहीं कर रही, देखना इनकी पूड़ी लेऊंगा तो कैसे बचाएंगी। छोड़ो ना ले ले। चलो दादा कैसे हाथ से उठा रहे थे, पार्टी में आए थे का तुम तो सीधा ऐसे करके। चलो मूव फास्ट भाई, हम लोग का भंडारे का प्रसाद ले लिया है। अब प्रसाद का होने के बाद अब हम निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमें आगे के और भी कुछ पॉइंट कवर करना है, बिकॉज टाइम हो चुका है 3:25। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं। यस यू मे भक्कम। ये देखो भंडारे का चार बोलिए, श्रीनगर तक खाऊंगी, जोस्टल ओ बोट हाउस तक चाटूंगी। यम्मी है अचार भक्कम। कितनी पूड़ी खाई है? दो। गजब। गाइस हम डल लेक पहुंच गए हैं, यहाँ पे बोट लेंगे, बोट से अपने रूम की तरफ चलेंगे। देख सकते कितना डल लेक। अनिल भाई कैसा लग रहा? बहुत प्यारी हवा चल रही है, अपन शिकारा में जाएंगे, जो भी जैसा प्राइस लगता है आपको बताते हैं भाइयों, लेकिन वाओ व्हाट अ सीन गाइस यू सी इट। हेलो गाइस वेलकम टू बदेश चैनल। आज हम आए हैं डल लेक, जो कि जम्मू कश्मीर की सबसे फेमस लेक है। ये जम्मू कश्मीर की सब सेकंड लार्जेस्ट लेक में आता है, जो कि 3 पहाड़ों से घिरा हुआ है। एंड यहाँ पे बहुत से शिकारे चलती है और हाउस बोट है, जहाँ पे रहने के लिए सब व्यवस्था की गई है।
आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ का कैसा क्या प्राइस है, घूमने का कितना खर्चा आएगा, हाउस बोट पे और रहने का सब आपको बताएंगे आगे आगे जैसे जाते हैं। ऑनलाइन में शायद थोड़ी ज़्यादा प्राइस रहता है, आप यहाँ लोकल आके पता करें वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये गेट नंबर 3 पे हम आए हैं, ऐसे मेरे ख्याल से 11-12 गेट हैं, उधर वो सामने आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके लाइन से बहुत सारे गेट बने हुए हैं। गाइस यहाँ पे घूमने के लिए 12 पॉइंट है टोटल, 12 पॉइंट बहुत बड़ा। और हम लोग से अभी हम लोग जैसे 11 लोग हैं तो 4,000 रुपये मांग रहा है, मतलब 3 का 12,000 रुपये। देखो करते हैं बात भाई, हम यहाँ पे खाना खाने आए लजीज में, डल झील के सामने ही रेस्टोरेंट है। आइयो यहाँ पे खाना खाने आ रहे हैं, दिल्ली रसोई डाइनिंग। ये जस्ट बोट हाउस के सामने, यहीं कहीं पे हमारा बोट हाउस होगा। नाम क्या खतरनाक रखा है, न्यू सिडनी न्यू ऑस्ट्रेलिया। ये वो वाली होटल पे वेटिंग करना पड़ रहा था इसलिए हम यहाँ पे खाने आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, लेट्स सी बैठते हैं। भाई ये हमारा खाना आ चुका, ये क्या है, दाल मखनी, ये क्या है, भाई मेरी जैकेट है, मेरी सॉल। ये गेट नंबर 12, यहाँ से हम लोग जाएंगे अब कहाँ, शिकारा में। शिकारा पे जाएंगे, आ यार ब्यूटीफुल। चलो आप जाओ आप जाओ, ये ले भी मैं देते जा सामान। भाई ये सामान पहुंचा रहे हैं, ये लो रखो सर, ये देते जाओ, ये लो। अरे कुछ नहीं होगा बड़े भाई, किधर रखा है, बहुत सारे बैग इधर। अरे दीदी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू बैग कहीं नहीं जाएगा, मैं उस उतर जाऊंगा आपका बैग लेने, आप मेरा भरोसा करो, रोजी रोटी की कसम। कहे की कसम भाई, आप मेरा भरोसा करो, रोजी रोटी की कसम, दीदी झूठ नहीं बोलूंगा। दीदी बोल रही यही कसम खा के तो तुमने झूठ बोला है। यही कसम खा के तो मेरा वॉलेट खाली कर दिया। भाइयों सबका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओहो एक का चिल मोड ऑन फाइन, ये आ गई बस द टेस्ट द कश्मीर, ब्यूटीफुल बस जो लेक के साइड व्यू को मजा देती है ऊपर से। हकम फाइनली हम होटल पहुंच गए, गोल्डन क्रेस्ट ग्रुप ऑफ हाउस बोट, ये वाला आज हमारा स्टे है हाउस बोट में, HB गिनेवा के बाजू में। ब्यूटीफुल मैन, क्या शानदार होटल बनाई गई है, आराम से उतरो। पहले वो वाला बैग वो कर दो बाहर, भैया को पकड़ा दो पहले बैग वगैरह, आराम से पकड़ाते जाओ बैग भैया को। बस देखना पानी में ना छोड़ देना जल्दी जल्दी। आराम से साफ है, बैग अलग करो भाई, चलो आराम से चलो। इट इज जियो नंबर, ये
Yes. This is our hotel. What's your number? 9906 8300 5 2 3 चले भाई, बढ़िया है। भैया हेलो, चलो आओ अंदर चले, फिर सबसे मिलते हैं अपन। ब्यूटीफुल शूज रिमूव करो। आय हाय, शानदार झूमर है। जी सर, आप अपना सामान लेके चलिए, हम लोग का आ जाएगा। जी हमने, क्योंकि हमने टिप दी है। भाई शूज रिमूव करना पड़ता है, शूज रिमूव कर दिया, चलो आओ अंदर। अरे यहाँ पे तो लाउंज बना हुआ है, ब्यूटीफुल झूमर। वो खत्म हो गया कि हम आ गए इसलिए बंद। ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल, कैसी, कितना प्यारा बोट हाउस है, पूरा झूमर से सजा रखा है, अमेजिंग है। सेकेंड फ्लोर भी है इवन। कौन कौन, दिस इज आर रूम। स्टॉप मैन। ब्यूटीफुल मैन, माइंड ब्लोइंग। ओपन इट। कहाँ पे है? ओहो, I loved it, man. I will bath naked, man. Beautiful, man. Amor, साला कोई बता ही नहीं सकता है कि यहाँ पे वॉशरूम बना है। हम पानी में रखे। अरे इसकी तो थार, भक्कम घर बनाया है भाई। हट, मेरे को अपनी स्मार्टनेस चेक करने दे ब्रो। I loved it. भाई मैं ले आया हूँ, मेरा MI वाला बैग ई के पास है। बड़े भाई आपका नाम? समीर। ऊपर क्या भी है यहाँ पे, जा सकते हैं, आओ ना भैया। You can see the upward. ब्यूटीफुल बोट हाउस, क्या खूबसूरत बना रखा है यार स्टे का तरीका। इसमें कितना भी पैसा ले वॉर्थ इट है। शायद हमने 25-30 हज़ार रुपए दिए 11 लोग के, लेकिन वॉर्थ इट है। बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, मजा आ गया। इवनिंग का टाइम, सनसेट का टाइम, मतलब अमेजिंग। आओ नीचे चलते हैं। ऊपर पानी की टंकी रखी है, आप देख सकते हैं, इसको मैं छिटकर लगा दूं। भैया एक बार हाय तो बोल दो।
आपका नंबर भैया? मेरा नाम एजाज है। हाँ? मेरा नंबर है 9906431527। भाई ये भैया आपका गोवाई बीबो से भी स्टे बुक हो जाता है? हाँ, लेकिन गोवाई बीबो से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कस्टमर। बहुत अच्छा बना भैया। इंटीरियर भाई बहुत शानदार बना है। यदि अच्छा न्यू प्रॉपर्टी है, मतलब वॉर्थ इट है। मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको भी बुकिंग करना हो डायरेक्ट कॉल कर लो। भैया अपने पास चार ही रूम है यहाँ पे? चार बेडरूम है, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, कॉमन। अच्छा, ओके। और आपका एक एक ही प्रॉपर्टी है यहाँ पे? अच्छा, ओके। मतलब जितने भी लोगों को आना, भैया को कांटेक्ट कर दो, भैया सब व्यवस्था कर देंगे, जितने भी रूम चाहिए सारे अवेलेबल करा देंगे। और आपने देखा प्रॉपर्टी वाकई बहुत ब्यूटीफुल बनी हुई है अंदर से। आइए बोट हाउस के पास, देखो यहाँ पे बेचने भी आया है। शीख कबाब, चिकन टिक्का, फिश, ये सब यहाँ पे सेल करने भी आए हैं। मतलब आप बोट हाउस में रुकते हो तो भूखे नहीं रहोगे, कुछ भी लेके खा सकते हो। मशरूम बहुत बढ़िया। अब यहाँ से बोट्स गुजरती रहती हैं। शिकारा, वो वाला भी बहुत प्यारा लग रहा, सामने वाला है? कहाँ पे? अच्छा, ये ऐसा बताया जा रहा है कि रात में यदि एक्सप्लोर करते हो तो मीना बाजार जा सकते हो शिकारा से। मतलब बहुत बढ़िया। आप इनका वुडन का वो देखो ना, प्यारा बना हुआ। भाइयों ये जो कारीगरी आप देख रहे हो ना बोट हाउस में, ये प्रॉपर हैंड की गई है, हाथ की गई है। और ये देवदा लड़की लकड़ी से बना हुआ है, देवदा। भैया का कहना है कि एक बोट हाउस आज की रेट में 1.5 करोड़ रुपए का बनता है। और ये देखो, ये मतलब ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मतलब 1.5 करोड़ की लागत से बना। और अंदर का मैंने इंटीरियर आपको दिखाया, कितना शानदार है, झूमर वगैरह, मतलब बिल्कुल 5-स्टार होटल है। उनकी ओन प्रॉपर्टी है। और ये तक बताया कि अब कोई नहीं बना सकता ऐसा, मतलब जिनके पास पुराना लाइसेंस है, परमिट है, वही बना सकते हैं। उसके लिए बहुत माथा पच्ची है। लेकिन कारीगरी देखते तो बस ये प्रॉपर हाथ से ही बनाया गया। और पूरी जगह ऐसी, रूम्स में जितने रूम्स है, डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, बहुत। हमारा डिनर लग चुका है, देखिए कैसा राजा महाराजा टाइप डिनर कर रहे हैं अमन भाई। वाओ, नाइस झूमर भाई, देखिए क्या नजारा। गाइस बहुत ही अच्छा टेस्ट है यहाँ के खाने का। भाई अमन भाई, अमन भाई कैसा लगा, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना आज हाउस बोट पे। पैसा वसूल भाई, आप आए कश्मीर में तो एक बार जरूर आए, एक बार कितना भी पैसा लगे, लेकिन जन्नत है भाई ये जगह, अभी तक की सबसे अच्छी जगह हम लोग को यहाँ की लगी। गाइस ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। अब तू चल खूंटा में जाके बंद कर, कमोडी देखिएगा खूंटा में बंद हो जा, कुछ खाएगी? अबे सुन तो, बहुत मस्त बन के आया, रसगुल्ले रखे खाएगी? रसगुल्ले, रसगुल्ले नहीं चाहिए, अरे लेना है तो बोलना। अब क्या पूरा खाएगी क्या? मन था मतलब रसगुल्ला खाने का, इससे समझ में आ गया। इसके पास पानी लेके गया तो तुरंत उठ के बैठ गई, जानती थी ये डाल देगा लेके आया। अभी उठ के बैठ गई तुरंत, मैं उठा रहा था, कोई इज्जत नहीं थी, जैसे जैसे उठ के बैठ गई। लगी कहानी है। तो भाइयों अपन लोग इस जर्नी पे नए नए हैं, इसलिए अपन सारे एपिसोड्स की वीडियो एंड करना भूल रहे हैं, इसलिए रूम पे आके एंड कर रहे हैं। तो बस यही बोलना था, जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करे, जिसको बहुत अच्छी लगे वो सब्सक्राइब करे, जिसको बहुत अच्छी लगे वो शेयर करे, और जिसको बहुत 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 अच्छी लगे वो सब्सक्राइब करे, कमेंट करो, और नीचे घंटी दिख रही होगी उसको भर भर के दबाओ, जिससे आने वाली वीडियोस के आपको अपडेट सबसे पहले अपडेट्स मिलते रहे।